हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग एग्जाम में जो इसका वेटेज है मिनिमम 5 मार्क का वेटेज है, मैक्स टू मैक्स 10 मार्क का वेटेज है। इसलिए प्रॉपरली पूरे सेशन में बने रहिए ताकि आप लोग जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे समझ में आ जाए। ठीक है, आज टोटल में 5 क्वेश्चन लिखे हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर SBI क्लियर प्री एग्जाम। ठीक है, तो चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 118.83 से ज़्यादा की वैल्यू दिख रही है हमें, तो वो यहाँ पर 119 ले रही है, परसेंट ऑफ 200 दिया है, प्लस 62.5% ऑफ 800 दिया है। अब एक काम करिए, 119 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करिए और प्लस 62.5 को सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर 20 ओरली कट हो जाएगी और यहाँ पर भी 20 ओरली कट हो जाएगी, परसेंटेज की वैल्यू दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 119 को 2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 62.5 को जो है 8 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एडिशन करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना मिलेगा, 9 2 18, 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 3 एंड 2 1 2 2 38 मिल गया। यहाँ पर 62.5 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 5 8 40। ओके, 8 2 16 प्लस 4 20, 2 कैरी हो जाएगा, 6 8 48 48 प्लस 4 52। ओके, और यहाँ एक पॉइंट था इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, तो 520 यहाँ पर मिला और 238 यहाँ पर मिलेगा। एडिशन कर लीजिए, 758। तो हमें क्या आंसर मिला इसका, 758। कितना इजी क्वेश्चन था कि नहीं। चलो चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 20 मल्टीप्लाई बाय 32.92 यानी 33 आ जाएगा, प्लस 63.86 यानी 64, तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया कितना दिया है, 9.89 यानी 10 आ जाएगा। यहाँ पर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 80 to 10 80 आ जाएगा, प्लस 20 को 33 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6 एंड 2 3 6 60 मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 8 प्लस 6 4 आ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा, तो 740 मिल जाएगा। तो हमें जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर वो मिल जाएगा 740। ओके, आया सब मैं आप लोग को, चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2 8 9 9.98 यानी 2900 डिवाइड बाय क्या बोला, 20। ओके, तो 10 यहाँ पर, 2 1 2 2 2 4 8 एंड 2 5 10 145 प्लस 19.98 मतलब 20 आ जाएगा, प्लस 16.25 नहीं 16 का स्क्वायर क्या है, 256 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही दिया हुआ है। 145 प्लस 20 यानी 165 प्लस 256 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 5 प्लस 6 11 प्लस 1 12 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4, तो 421। तो मुझे थर्ड क्वेश्चन आंसर जो मिला वो मिला मुझे 421। देखिए क्या किया, 2900 था मतलब 2899 था, उसको मैंने 2900 ले लिया। ठीक है, 20 से डिवाइड किया, 145 मिला, प्लस 19.98 इसको हम 20 कंसीडर किया क्योंकि 0.50 से ज़्यादा की वैल्यू है, इसलिए 20 कंसीडर किया, प्लस 16 का स्क्वायर 256, सबका एडिशन है तो 421 मिला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29.98 यानी 30 आ जाएगा। यहाँ पर 30% ऑफ 700, 13 × 7 करिए, 20 ओवरली कट करिए, माइनस 35 प्लस 85% ऑफ 500 मतलब 85 को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 1 को कंसीडर मत करिए, 5 5 25 5 40 प्लस 425 मिल जाएगा, प्लस ठीक है 7 3 21 0 आ जाएगा, माइनस 35 प्लस 425 माइनस करिए, 10 5 5 आ जाएगा, 10 7 10 3 7 आ जाएगा। ठीक है, और 1 हो जाएगा ये वाला, 175 प्लस 425, 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, 1 प्लस 4 5 आ जाएगा, और 5 प्लस 1 6, तो आई थिंक 600 मिलेगा मुझे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का जो मिला वो मिला मुझे 600। ठीक है, क्या किया मैंने, 29.8 दिया था, इसको 30 कंसीडर किया, 30% ऑफ 700 दिया था, 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 35 किया, प्लस 85% ऑफ 501 दिया था, तो मैंने उसको 500 ही कंसीडर किया। ठीक है, तो 85% ऑफ 5 मतलब 85 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर 425 मिलेगा। ठीक है, इसका एडिशन, सबका एडिशन किया तो मुझे क्या मिला, 600। चलो चलते फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। 1519.90 यानी 1520 प्लस 179.7 तो 180 आ जाएगा। यहाँ पर 180 से मल्टीप्लाई करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2.5 को 9.8 से यानी 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, अभी देखिए मल्टीप्लाई करिए, 18 2 36 आ जाएगा और 20 नीचे आ जाएगी, कंफर्म प्लस 20 आ जाएगा यहाँ पर और प्लस 1520 आ जाएगा। एडिशन करिए, 5120 प्लस 20 तो 5140,
तो मुझे जो इस क्वेश्चन का आंसर मिला वो मिला मुझे 5140। ओके 1520 प्लस 180 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 2.5 का 2 कंसीडर किया और मल्टीप्लाई बाई 9.8 था इसको 10 कंसीडर किया, सबका एडिशन किया, मुझे क्या मिला 5140। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग एस बी आई क्लब प्री में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।